सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से उम्मीद करता हूँ खैरियत। तो आज हमारे पास एक गाड़ी है, एक्ट्रेस जफाली 2040। इसका हम क्लच नया डाले हैं, तो इसका हम क्लच कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिए जफाली गाड़ी है, ये आई डी ईयर होता है इसमें जफाली गाड़ी का, तो इसको कंप्यूटर से कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो चलते हैं फिर, हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो बनाने में टाइम और मेहनत बहुत लगता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं जितना हो सके छोटा वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों मैं मैकेनिक और कंप्यूटर दोनों के काम के बारे में नॉलेज शेयर करूंगा। दोस्तों कंप्यूटर खुल चुके, हम 3 नंबर पर जाएंगे और एफ आर ड्राइव कंट्रोल पे जाके F3 से क्लिक करेंगे। एक नया पेज खुल के आएगा, इसमें लिखा रहेगा गियर लीवर हाइड्रोलिक है, इस पे जाके क्लिक कर देंगे। फिर से नया पेज खुल के आएगा, 6 नंबर पे कंट्रोल यूनिट एडाप्टेशन लिखा रहेगा, उस पर जाके F3 से क्लिक करेंगे। नया पेज खुल के आएगा, नंबर पे लाइनिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, F3 से क्लिक करेंगे। नया पेज खुल के आएगा, अगर गाड़ी स्टार्ट है तो बंद करके चाबी ऑन कर लीजिए, तो उसे क्लिक कर दीजिए। फिर नया पेज खुल के आएगा, इंडन प्लस ट्रैवल्स लिखा रहेगा, उसमें जाके F3 से क्लिक करेंगे। नया पेज खुल के आएगा, उसमें लिखा रहेगा विदाउट लाइनिंग चेंज या फिर विथ लाइनिंग चेंज, विथ लाइनिंग चेंज में जाके F3 से क्लिक करेंगे। फिर एक नया पेज खुल के आएगा, प्रोसेस 2 नंबर पे और 1 नंबर पे अबाउट प्रोसेस, तो 2 नंबर में जाके क्लिक कर देंगे। नया पेज खुल के आएगा, डू नॉट ऑपरेट करेक्ट पैड लिखा रहेगा, फिर से F2 से क्लिक कर देंगे। नया पेज खुल के आएगा, ऑपरेट करेक्ट पैड लिखा रहेगा, फुल दबा देंगे क्लच पे, F2 से क्लिक कर देंगे। फिर नया पेज खुल के आएगा, अब इस तरह का पेज आएगा, इस पर हरे रंग में काला करके जो बॉर्डर होता है बूटा, यही से देखा जाता है। अभी नया क्लच है बोल के ऊपर 38 और नीचे 62 है। अभी जो पुराना क्लच होता है, जब क्लच खराब हो जाता है चेक करने के लिए, जब इसको फिर इसी तरह करेंगे, बस ये ज़्यादा रहेगा यहाँ पर, ऊपर दाग में 38 है और नीचे 62 है, इस तरह नहीं रहेगा। ऊपर दाग में चला जाएगा 60-50 और नीचे वाला दाग जो है उसमें चला जाएगा 80-90, तो क्लच खराब है। फिर मिट्टी पर जाकर क्लिक करेंगे, कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। अब जिस तरह से कंप्यूटर खोले थे उसी तरह से कंप्यूटर को बंद कर देंगे। छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।